हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस डी वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस डी उन्हीं को होगा जिनको ऑलरेडी बी है, मतलब जो पेशेंट्स एचबीवी पॉजिटिव है उन्हीं को एचडीवी होगा। तो एचबीवी जो वायरस होता है वो डीएनए वायरस होता है, और ये वाला वायरस जो है आपकी बॉडी में लीवर्स के सेल को डैमेज करता है और क्रॉनिक कंडीशन क्रिएट करता है, बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, अगर आपको आज आपको इन्फेक्शन होता है तो इसके सिम्टम्स आपको 4 से 20 हफ्तों के बीच में आ जाते हैं। जो हेपेटाइटिस बी है, इसके सिम्टम्स अगर आपको 4 से 20 हफ्तों में आते हैं और इसकी रिकवरी अगर तो 6 महीने के बीच में हो जाती है तो इसको एक्यूट कहा जाता है। अगर 6 महीने में इसकी रिकवरी नहीं होती है और ये आगे लंबा जाता है तो इसको क्रॉनिक कहा जाता है। हेपेटाइटिस बी के जो लक्षण हैं वो बच्चों में बहुत जल्दी आते हैं। अगर बच्चों को इससे इन्फेक्शन हुआ है तो बच्चों में 60-70%, 80% बच्चों में इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम एडल्ट्स में होती है, बड़ों को होती है, तो उसमें सिर्फ 10% पेशेंट्स में ही लक्षण आते हैं। और अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, 6 महीने में इसकी रिकवरी होती है। जिनमें नहीं होती वो फिर क्रॉनिक कंडीशन में जाते हैं। और ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनमें कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है बट वो आपके लीवर के जो सेल्स हैं उसको डैमेज नहीं करता। मतलब आपने टेस्ट करवाया, आपका हेपेटाइटिस बी वायरस पॉजिटिव आया है HBsAg, लेकिन जब आप LFT करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो वो नॉर्मल आते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में ये जो वायरस है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, बट ये इन फ्यूचर कभी भी एक्टिव हो सकता है, 6 महीने में, साल में, 5 साल, 10 साल, 20 साल। तो ऐसे पेशेंट्स को रेगुलरली जो है रूटीनली अपना जो है टेस्ट करवाना पड़ता है, चाहे आप LFT करवा लीजिए, अल्ट्रासाउंड, 4 महीने में, 6 महीने में, साल में, इसको रूटीनली करवाना पड़ेगा ताकि आप इसको देख सको कि ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। दूसरा जो है इसका सबसे बड़ा एक तो इशू ये है कि अगर 100% लोगों में, मतलब 100 पेशेंट्स में अगर HBV पॉजिटिव है तो उसमें से 80, मतलब 80 लोगों को पता ही नहीं है कि हम HBV पॉजिटिव हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से जो ये इन्फेक्शन है दूसरे लोगों में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसीलिए इसमें कॉम्प्लिकेशन भी आती है, इसे ध्यान भी रखना पड़ेगा आपको। दूसरा है कि अगर आपको ये जो HPV है वो आपको फैलता कैसे है। जो HBV है वो ब्लड के, जैसे ब्लड, अगर हम मान लो कोई पेशेंट है उसको HPV पॉजिटिव है, उसका ब्लड हम किसी दूसरे पेशेंट्स को चढ़ा देते हैं तो उनको ये पॉजिटिव आ जाता है। बट आजकल ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है तो उसका टेस्ट किया जाता है। दूसरा है पेरेंटल रूट से, मतलब कि इंजेक्शन से, चाहे वो स्किन में लगाते हैं, आप मसल्स में लगाते हैं या वेंस में लगाते हैं, तो इंजेक्शंस के थ्रू ये जो है कंटेमिनेटेड नीडल्स होती हैं तो उससे फैलता है। जैसे कि मान लीजिए कि थैलेसीमिया का पेशेंट है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाना पड़ता है, डायलिसिस वाले पेशेंट्स हैं उनको डायलिसिस रूटीनली करवाना पड़ता है, या ऐसे पेशेंट जिनको रूटीनली टेस्ट करवाने पड़ते हैं, कोई शुगर का पेशेंट है जिसको रूटीनली टेस्ट करवाने पड़ते हैं, तो ऐसे लोगों में HBV होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये जैसे लोग टैटूइंग करवाते हैं, एक्यूपंक्चर करवाते हैं, ये इस तरह से कंटेमिनेटेड नीडल से अगर हो तो फैल जाता है। तीसरा होता है कि बॉडी फ्लूइड्स में, बॉडी में जितने भी हमारे फ्लूइड्स हैं उसमें जो है ये फैलता है। जैसे आपके आइस में आंसू है, टीयर्स हैं, यूरिन है, वजाइनल सिक्रीशंस हैं, सीमन है, सलाइवा है, तो इसके थ्रू भी ये ट्रांसमिट होता है। इसीलिए अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन से HBV एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को हो सकता है। चौथा है कि अगर माँ में, अगर माँ को HBV पॉजिटिव है तो वो आपके माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब वर्टिकल स्प्रेड भी इसमें होता है। अगर फैमिली में एक मेंबर को HBV पॉजिटिव है तो उस फैमिली के सारे मेंबर्स को एक बार टेस्ट करवाना चाहिए, और वैक्सीनेशन, HBV की वैक्सीनेशन आती है, वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऐसे पेशेंट्स को अपना जो इरेजर है, कॉम्ब है, क्लोज है, टॉवल है, तो उसको जो है किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, अपना अलग से रखना चाहिए, और क्लीन कर जो है अच्छे से क्लीनिंग करनी चाहिए। और इसमें अब हेपेटाइटिस बी अगर जिसको है तो उसमें लक्षण क्या है, मैंने बताया था हेपेटाइटिस से मोस्टली लक्षण सेम होते हैं, चाहे वायरस की वजह से हो, चाहे अल्कोहल की वजह से हो, चाहे मेडिसिन से हो,
हेडेक होता है इसमें, नौजिया है, वॉमिटिंग है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, जॉन्डिस है, पेशाब का रंग यूरिन येलो होता है, पेल स्टूल होते हैं, स्किन का कलर पेल होता है, कुछ लोगों पेट में भारीपन होता है, जहाँ पे लीवर है राइट साइड पर लीवर में उनको पेन होगा, हाथ लगाने से दर्द होगा, लीवर रीजन में भारीपन होगा, कमजोरी लगती है, भूख नहीं लगती है, वीकनेस लगती है। और अगर इसके डायग्नोसिस के लिए जो भी टेस्ट है वो LFT है, अल्ट्रासाउंड है, वायरल मार्कर्स हैं, कि अगर आपको ये इन्फेक्शन हुआ है, ये लक्षण आते हैं, तो आपका वायरल मार्कर्स करवाया जाता है कि किस वायरस की वजह से आपको ये हेपेटाइटिस जो है वो हुआ है। अगर आपका हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक कंडीशन में चला जाता है, तो धीरे धीरे करके ये लीवर के सेल्स को डैमेज करता है, उसमें इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन करता है, जिसकी वजह से आपको लीवर में फाइब्रोसिस हो जाता है, स्कारिंग हो जाती है, सिरोसिस हो जाता है, इवन तक लीवर कैंसर हो जाता है। इसी की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है। पोर्टल हाइपरटेंशन मतलब जो लीवर में जो ब्लड सप्लाई होती है वो अफेक्टेड हो जाती है लीवर के सेल्स डैमेज होने की वजह से, फाइब्रोसिस होने की वजह से। आपकी ओसोफेजियल वेरिसिस हो जाती है, आपको खून की वॉमिटिंग आ जाती है। ओसोफेजियल वेरिस मतलब खाने वाली पाइप की जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती हैं, जब उनकी डायलेटिंग की कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो एक बार आपको वो उल्टी आ जाती है, वॉमिटिंग। और लास्ट स्टेज में लीवर में जब आपका हो जाता है कि सिरोसिस जो है, फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको पेट में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, असाइटस हो जाता है। बाकी जो भी सिम्टम्स हैं फिर वो इसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से आते हैं। तो इसलिए आपको इसके लिए खास प्रिकॉशंस लेने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको हेपेटाइटिस बी है तो आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखिए, फ्रूट सैलड जूसेस लें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, अलोम विलोम करें, क्योंकि गलत लाइफस्टाइल की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक रहेगा तो एटलीस्ट आपको अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव भी है तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करेंगे तो एटलीस्ट वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा। अगर है तो उसके लिए आप मेडिसन्स ले सकते हैं, आयुर्वेदिक में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसन्स अगर आप देखते, खुद एलोपैथिक मेडिसिन से लीवर के ऊपर साइड इफेक्ट क्रिएट करती है, उसको वीक करती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको बताया हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस डी उन्हीं पेशेंट्स को होगा जिसमें हेपेटाइटिस बी होगा। हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस बी जो है वो सिमिलर है, लेकिन जिन लोगों में अगर पहले से कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कुछ लोगों को इम्यूनिटी वीक होती है, जिनमें ऐसे डिजीज होते हैं जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, जैसे डाउन सिंड्रोम होता है, HIV होता है, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा हो जाती हैं ऐसे पेशेंट्स में।